सो गाइस आज हम बताने वाले हैं कुछ इस टाइप का कार्ड फोटो एडिटिंग ट्यूटोरियल जो हम पिक्सार्ट एप्लीकेशन से सिखाने वाले आप सबको। सो आप भी अगर इस तरह का फोटो एडिटिंग करना चाहते हो तो वीडियो को शुरू से अंत तक देखने को, तो अंत तक देखने के बाद ही आप लोगों को समझ में आ जाएगा। तो इस चलो वीडियो को स्टार्ट कर लेते हैं। थैंक यू एनजे फेवरेट फोटो एडिटिंग इतना ज्यादा प्यार और सपोर्ट करने के लिए। तो आप भी अगर चाहते हो कि आपके चैनल का नाम शो करना, तो आपको क्या करना होगा, तो आपको सिंपली ये वीडियो देखकर आपको प्यार सा कमेंट कर देना है। फिर आई होप कि आपका भी चैनल का नाम नेक्स्ट वीडियो में आ जाए। इस तरह का फोटो एडिटिंग करने के लिए आपको पहले क्या करना होगा, पहले आपको पिक्सार्ट एप्लीकेशन को पहले इंस्टॉल कर लेना है, ठीक है। देन यहाँ पर नीचे जो प्लस वाला आइकन है वहाँ पर हमें टैप कर देना है, और ये वाला जो एप्लीकेशन है वो प्ले स्टोर में मिल जाएगा आप लोगों को देखने के लिए। तो पहले आप लोगों को ओपन कर देने के बाद ये वाला जो बैकग्राउंड है इसे हमें ओपन कर लेना है। सो इस वाले बैकग्राउंड का लिंक मैं डिस्क्रिप्शन बॉक्स में दे दूंगा, और जगह से डाउनलोड कर लेना। सो पहले स्टेप पे हमें क्या करना है, पहले स्टेप पे जाना टूल्स पर ऊपर, देन यहाँ पर रिसर्च पर हमें टैप कर देना। तो यहाँ पर हमें क्या करना है, यहाँ पर 3000 कर देना है। तो इससे हमारा क्या होगा, इससे हमारा जो बैकग्राउंड का क्वालिटी थोड़ा लॉस नहीं होगा, ठीक है। तो यहाँ पर हमें रिसर्च पर हमें टैप कर देना है। तो इतना काम कर देने के बाद अभी हमें कुछ नहीं करना है, बस सिंपली मॉडल का पिक्चर को हमें ऐड कर लेना है। तो इसलिए हमें क्या करना है, ऐड फोटो पर जाना है, और ऐड फोटो पर जाने के बाद यहाँ पर मैं मॉडल का पिक्चर को ऐड कर लेता हूँ। तो यहाँ पर एक ही स्टेप है, तो आप वीडियो को शुरू से अंत तक देखो, ओके, नहीं तो समझ में नहीं आएगा। तो अभी हमें बैकग्राउंड को चेंज कर लेना है, मतलब रिमूव कर लेना है। तो इसलिए हमें इरेजर वाले आइकन पर टैप कर देना है, और यहाँ पर इरेजर ब्रश को हमें चूज़ कर लेना है, ठीक है। तो यहाँ पर इरेजर ब्रश को चूज़ कर देने के बाद यहाँ पर हार्डनेस को हमें यहाँ पर फुल के मुताबिक रख लेना है। तो आप लोग भी यहाँ पर फुल रख लेना, देन इस तरह से हमें इरेज करते जाना है। तो आप लोग भी यहाँ पर इरेज कर लेना, ओके। तो आप अगर चाहते हो मैनुअली से, मतलब ऑटोमेटिक यहाँ पर सेट करना, तो आपको क्या करना होगा, तो आपको यहाँ पर लेफ्ट साइड पर देख सकते हो, यहाँ पर सिलेक्ट पर आप लोगों को टैप कर देना है, देन यहाँ पर हमें बैकग्राउंड पर टैप कर देना है। तो यहाँ पर ऑटोमेटिकली हमारा जो बैकग्राउंड है वो इरेज हो जाएगा। तो आप लोग यहाँ पर कुछ इस तरह से कर सकते हो, ओके। तो इतना काम कर देने के बाद अभी हमें सिंपली डन कर देना है, और कुछ इस तरह से हमें नीचे के साइड पर ले आना है, मतलब पिक्चर को। देन इतना काम कर देने के बाद कुछ इस तरह से हमें एडजस्टमेंट कर लेना है। तो यहाँ पर फोटो तो ऐड हो गया, तो अभी हमें कुछ नहीं करना है, बस सिंपली पिक्चर को हमें सेव कर लेना है, और यहाँ पर कलर एडजस्टमेंट कर लेना, नहीं तो पिक्चर हमारा ठीक ठाक नहीं लगेगा। तो आप लोग भी यहाँ पर कलर एडजस्टमेंट कर लेना, तो वीडियो को आप कंटिन्यू देखते रहो, तो ठीक है। तो यहाँ पर हमें पिक्चर को सेव कर लेना है लेफ्ट साइड पे आइकन पर जाकर, देन गैलरी पर आ जाने के बाद यहाँ पर शेयर कर लेना है लाइट रूम एप्लीकेशन के अंदर, ओके। तो लाइट रूम एप्लीकेशन के अंदर मैं फिनिशिंग करूँगा, तो इसलिए हमें लाइट रूम एप्लीकेशन पर ऐड कर देना है। तो यहाँ पर ऐड कर देने के बाद यहाँ पर मैं मिनिमाइज कर देता हूँ, देन यहाँ पर लाइट रूम एप्लीकेशन को ओपन, देन यहाँ पर हमें ऑल फोटोज और पिक्चर को हमें ओपन कर लेना है। तो पहले स्टेप पर हमें क्या करना है, पहले स्टेप पर हमें जाना है यहाँ पर लाइट वाला जो आइकन, तो देख सकते हो गाइस ये वाला जो लाइट वाला आइकन है यहाँ पर टैप कर देना है। देन यहाँ पर कॉन्टेस्ट को थोड़ा सा इंक्रीज कर देना है, और पर हाईलाइट को थोड़ा सा कम, और पर शैडो को थोड़ा सा मैं कम कर लेता हूँ, वाइट को भी थोड़ा सा कम, और ब्लैक को भी थोड़ा सा मैं कम कर लेता हूँ, ओके। तो इतना कम कर देने के बाद अभी हमें सिंपली यहाँ पर क्लोज कर देना है, देन यहाँ पर टेम्परेचर वाले आइकन पर हमें टैप कर देना, और टेम्प को हमें थोड़ा सा कम कर लेना है, ओके। तो टेम्प को थोड़ा सा कम कर लेने के बाद यहाँ पर हमें टिंट को हमें थोड़ा सा भी कम कर लेना है, और विब्रेंस को थोड़ा सा इंक्रीज, और गाइस यहाँ पर सैचुरेशन को थोड़ा सा इंक्रीज कर लेना है थोड़ा सा, ओके। तो इतना कम कर देने के बाद अभी हमें मिक्स टूल के अंदर आ जाना है, पहले वाला कलर को सैचुरेशन को इंक्रीज, और सेकंड वाला कलर को जाना है, और बस सैचुरेशन को डिक्रीज, और लुमिनस को थोड़ा सा इंक्रीज कर देना है। देन यहाँ पर कुछ नहीं करना है, बस सिंपली ब्लू कलर पर आ जाएंगे, यहाँ पर ह्यू को थोड़ा सा कम, और सैचुरेशन को थोड़ा सा बढ़ा लेना है, ठीक है। तो इतना कम कर देने के बाद अभी हमें कुछ नहीं करना है, बस सिंपली डन कर लेना है। देन ये वाला जो आइकन है पैट यहाँ पर टैप कर देना है, और पर टेक्सचर क्लैरिटी भिगने टिपेट को ले आएंगे पिक्चर के अंदर, ताकि और भी अच्छा लगे हमारा जो पिक्चर। तो इतना काम कर देने के बाद अभी हमें इसे भी हमें क्लोज कर देना है, देन ये वाला जो आइकन यहाँ पर हमें टैप कर देना है, ओके। देन यहाँ पर शार्पनिंग नॉइस रिडक्शन और कलर नॉइस रिडक्शन भी तीनों को ऐड कर लेना है पिक्चर के अंदर। तो यहाँ पर हमारा जो पिक्चर वो कंप्लीट हो गया एडिटिंग। तो आप लोग भी यहाँ पर देख सकते हो कि कितना ऑसम सी लग रहा है, तो यहाँ पर बिफोर एंड आफ्टर देख सकते हो कितना ऑसम सी लग रहा है। तो इतना काम कर देने के बाद अभी हमें सिंपली सेव कर लेना है, यहाँ पर शेयर वाला आइकन पर जाकर, और सेव टू डिवाइस पर हमें टैप कर देना है, जो पिक्चर था वो सेव हो जाएगा गैलरी में। तो ये वीडियो अगर अच्छा लगे तो वीडियो को कर देने का लाइक, और चैनल पर नहीं है तो चैनल को सब्सक्राइब करते मत भूलना, चैनल पर भेज देखने के लिए, और मेरा इंस्टाग्राम आईडी को भी फॉलो।